नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। आज दिनांक 15/1/2021 को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए बनी ट्रस्ट श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण समिति के जिला कार्यालय शिवाजी इंटर कॉलेज बड़े चौराहे से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विभाग प्रचारक श्री आलोक जी ने दीप प्रज्वलित करने की और कहा कि ये अभियान हर हिंदू जनमानस का अभियान है, हर हिंदू को इसमें यथा योग समर्पण करना चाहिए। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष वीप सुरेश पांडे जी ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत उन्नाव नगर के साथ साथ आज सभी प्रखंडों में भी शुरू किया गया है। विश्व हिंदू परिषद की टोली बस्ती बस्ती हिंदू समाज के घर घर जाकर के समर्पण राशि एकत्रित करेगी, जिससे श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर निर्माण होगा। ये अभियान 15 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर सुरेश पांडे जी ने 1,01,000 रुपए देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी क्रम में पूर्व विधायक राधेलाल जी ने 1,00,000 रुपए तथा भाजपा नेता आशुतोष शुक्ला जी ने 1,50,000 रुपए सहयोग करके कार्यक्रम की शुरुआत की तथा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय सिंह फौजी के कहा कि उनका संगठन राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी एक दिन की पेंशन राशि राम मंदिर के लिए समर्पित। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अभियान प्रमुख संजय शुक्ला जी, जिला निधि प्रमुख अविनाश जी, नगर अभियान प्रमुख रघुवंश मणि त्रिवेदी, आशीष जी, जिला कार्यवाह अवनीश जी आदि शामिल रहे। स्वागत जिंदगी के लिए यूपी हेड श्याम जी गुप्ता की रिपोर्ट। भजे राजे अश्वाने ओम शांति 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 सिद्ध बुद्धि भारत माता के अपने विभाग प्रचारक अध्यक्ष विश्वहिंदू परिषद वर्तमान में उन्नाव जिले के इस समर्पण कार्यालय का प्रमुख। आज जो कार्यक्रम हुआ किस लिए हुआ, क्या लेकर किया गया है? ये राम जन्मभूमि के लिए जो वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कार्यक्रम चल रहा है, ये क्या पूरे जिले में चलाया जाएगा अभियान? ये पूरे जिले में नहीं, पूरे देश में चलाया जाएगा। अब तक कितना फंड इकट्ठा हुआ होगा? अब ये तो आज अनुमान नहीं, आज से शुरू हुआ है, लेकिन ये करोड़ों करोड़ों की संख्या में जाने वाला है। क्या उन्नाव को कुछ जो है लक्ष्य दिया गया कि कितना यहाँ से फंड जमा किया जाएगा? उन्नाव को लक्ष्य नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है उन्नाव बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। हम लोग उन्नाव के नज़दीक, मैंने अयोध्या के नज़दीक रहने वाले हैं, हम लोग अग्रणी रहें, ऐसा मेरा मानना है। ये कार्यक्रम आज शुरू हुआ, ये कब तक की चलेगा, कई महीने तक चलेगा? 27 फरवरी तक, आज से 27 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा और यहाँ के एक से एक धनाढ्य लोग, एक से एक दानदाता वो इसमें भाग लेंगे। आज भी सिंधु परिषद की तरफ से मैं स्वयं 1,01,000 रुपया भगवान के चरणों में, हमारे पूर्व विधायक राधेलाल जी ने 1,00,000 रुपया और हमारे बीघापुर स्कूल के प्रमोद शुक्ला जी, उन्होंने 51,000 रुपया। इस प्रकार से कार्य शुरू हुआ है। मुझे अनुमान है कि शाम तक करोड़ों रुपए की व्यवस्था भगवान के नाम पर हो। भगवान के नाम में कुछ कहना नहीं है, ये उन्हीं का पैसा है, उन्हीं को हम लोग दे रहे हैं।